हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रिंस हस्ती फोटोग्राफी। और आज हम बात करने वाले हैं मीटरिंग मोड्स के बारे में कि मीटरिंग मोड्स का क्या इम्पोर्टेंट है किसी भी फोटोग्राफर के लिए, या कैमरे में क्यों दिया गया है, और इसके काम क्या हैं, और इसके फ़ायदे क्या हो सकते हैं आपकी फ़ोटोग्राफी में। तो आज हम इस पर बात करेंगे और कब इस्तेमाल करनी है, कौन सी मीटरिंग इस्तेमाल करनी है, और उसका इफ़ेक्ट आपकी फ़ोटोज़ पर क्या आएगा, बारी बारी से मैं बताता रहूँगा और साथ में फ़ोटोज़ के साथ साथ भी एक्सप्लेन करता रहूँगा। तो बने रहें प्रिंस हस्ती फोटोग्राफी के साथ। इंपॉर्टेंट बात यह है, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन ज़रूर दबा दें जिससे आपको समय पर नोटिफिकेशंस मिलती रहें। और दूसरा मैं बोलूँगा कि ये तीन मीटरिंग मोड्स के बारे में है और किस तरीके से, तो वीडियो को एंड तक देखें, अगर कोई भी छूटती है तो पिछली दो आपने जो सुनी होंगी वो किस तरीके से काम करेंगी वो समझ में प्रॉपरली नहीं आएगा, तो आपको वीडियो पूरा देखना पड़ेगा। और हाँ, आप पीछे की तरफ जो इस वक्त काम चल रहा है वो वीडियो एडिटिंग का चल रहा है जैसा कि आप देख रहे हैं इस वक्त, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप वीडियो देखते रहें। तो मीटरिंग मोड्स के बारे में बात कर रहे थे कि बेसिकली हमारे कैमराज में तीन मीटरिंग मोड्स होते हैं, पहला मैट्रिक्स, दूसरा सेंटर वेटेड और तीसरा स्पॉट मीटरिंग। ये मीटरिंग किस किस तरीके से काम करती हैं हम इन पर भी बारी बारी चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मैट्रिक्स मीटरिंग की। निकॉन में मैट्रिक्स होता है और कैनन में एवल्यूएटिव होता है। तो ये दो मीटरिंग मोड्स हैं, नाम अलग अलग हैं, निकॉन एंड कैनन। तो इस तरीके से दूसरा जो मैट्रिक्स की बात मैं कर रहा था, तो मैट्रिक्स मीटरिंग बेसिकली एडवांटेज ये है कि जैसे आप ऐसी जगह पर शूट कर रहे होते हैं जहां पर लाइट, जैसे डायरेक्ट सनलाइट कहीं पर आ रही है और आप लैंडस्केप शूट कर रहे हैं, तो वहां पर अगर आप मैट्रिक्स मीटरिंग का इस्तेमाल करते हैं तो उसके एडवांटेज ये हैं कि मैं बता रहा हूँ, पहले तो मैं बता रहा हूँ कि सिचुएशन क्या है, साथ में वहाँ पर मैट्रिक्स में क्यों इन्वॉल्व कर रहा हूँ। जैसे मैंने लैंडस्केप शूट की बात करी और वहाँ पर मैट्रिक्स मीटरिंग की बात कर रहा हूँ, तो मैट्रिक्स मीटरिंग जो होता है वो आपके फ्रेम को चार टुकड़ों में डिवाइड करता है। जैसे कि आप एक फ़ोटो क्लिक कर रहे हैं, जो आपका फ्रेम है उसके चार पार्ट डिवाइड करता है, और जहाँ पर भी आप फोकस लॉक करते हैं वहाँ पर वो एक्सपोजर को देखता है, फिर वो चारों ब्लॉक्स के एक्सपोजर देखता है कि कहाँ कहाँ पर कितना कितना एक्सपोजर है, फिर वो जो जहाँ पर आपका फोकस पॉइंट होता है वहाँ के एक्सपोजर से वो पूरे फ्रेम के एक्सपोजर को कैलकुलेट करता है। उसके बाद एक इवन एक्सपोजर, एक इवन लाइट आपके फ्रेम में फिल करता है। तो ऐसे सिचुएशंस में जहाँ पर लाइट के डायरेक्शंस सिंगल है या बहुत लाइट बहुत ज़्यादा है, कहीं से शेडोज हैं, कहीं से कुछ छुप के आ रही है लाइट, अगर ऐसे सिचुएशंस में आप अगर मैट्रिक्स का इस्तेमाल करना चाह रहे हैं, सॉरी मीटरिंग का इस्तेमाल करना चाह रहे हैं, तो आपको मैं प्रेफर करूँगा कि मैट्रिक्स मीटरिंग का इस्तेमाल करें। कुछ तस्वीरें मैं आपको साथ में दिखाता रहूँगा कि इन इन शॉट्स में कौन सी मीटरिंग लगी हुई है, और उस पर आप देखते रहें और समझते रहें। दूसरा अगर मैं बात करूँ सेंटर वेटेड मीटरिंग की, जो सेकंड नंबर पर है, सेंटर वेटेड मीटरिंग ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। टोटालिटी में अगर बात करी जाए तो मीटरिंग ही बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करती है आपकी फोटोग्राफी में। अलग अलग जॉनर में अलग अलग तरीके से अगर इनका इस्तेमाल किया जाए तो एक्सपोजर की जो प्रॉब्लम्स होती है, जैसे कि इमेज अंडर एक्सपोज हो गई या ओवर एक्सपोज हो गई या कहीं और कुछ प्रॉब्लम्स आ गई। अब हम बात कर रहे थे सेंटर वेटेड मीटरिंग की। तो सेंटर वेटेड मीटरिंग क्या है, बहुत बार ऐसा होता है कि लाइट के डायरेक्शंस बहुत ज़्यादा हैं, जैसे आप कहीं बैकलाइट शूट कर रहे हैं या बैकलाइट आपके सब्जेक्ट के ऊपर बहुत ज़्यादा आ रही है, ऐसे सिचुएशंस में क्या होता है, पीछे तो बहुत ज़्यादा लाइट है, इस वजह से जो फेस है आपका वो अंडर एक्सपोज हो जाता है। तो ऐसे सिचुएशंस में अगर आप सेंटर वेटेड मीटरिंग इस्तेमाल करते हो तो होता क्या है कि फ्रेम जो आप कैप्च बना रहे हैं किसी भी फोटो का, उसके सेंटर में आपका जो स्पॉट है बिल्कुल फ्रेम के बिल्कुल सेंटर में जो लाइट आ रही होगी, उस लाइट को पूरे फ्रेम के साथ वो एवलुएट करेगा, जोड़ेगा या कैलकुलेट करेगा। फोकस आप कहीं पर भी लॉक करें उसका कोई मैटर नहीं, लेकिन आपकी जो मीटरिंग है, जो सेंटर वेटेड मीटरिंग है, वो सिर्फ फ्रेम के सेंटर में ही जाएगी, वहाँ से एक्सपोजर को पिक करेगी और पूरे फ्रेम में जो भी एक्सपोजर है उसके साथ उसको कैलकुलेट करके एक इवन लाइट आपको फ्रेम में देगी। ऐसे सिचुएशन जहाँ पर जैसे लाइट आपके सब्जेक्ट के बैक में बहुत ज़्यादा है, बैकलिट है, तो अगर बैकलिट में लाइट बहुत ज़्यादा है तब आप ऐसी सिचुएशंस में सेंटर वेटेड मीटरिंग का इस्तेमाल करेंगे। तो ये एक एडवांटेज आपको मिलेगा कि सब्जेक्ट जो होगा प्रॉपरली एक्सपोज होगा और
डी हेज बहुत कम होगा, सॉरी हेज बहुत कम आएगा इमेज में, और इमेज आपकी प्रॉपरली एक्सपोज्ड और शार्प आएगी। मीटरिंग की वजह से आपके सब्जेक्ट में सिर्फ एक्सपोजर ही नहीं, इवन शार्पन भी बहुत अच्छी आती है। मैं बता दूँ क्यों आती है। जब भी हम कभी किसी सब्जेक्ट पर फोकस करते हैं तो लाइट के अकॉर्डिंग करते हैं। अच्छा, सब्जेक्ट कितना शार्प आएगा उसके लिए भी लाइट बहुत मैटर करती है, एक्सपोजर आपका मैटर करता है। जितनी अच्छी लाइट आपके सब्जेक्ट पर पड़ रही होगी उतनी अच्छी तरीके से आपका सब्जेक्ट फोकस होगा और साथ में आपको वेल एक्सपोज्ड एंड शार्प रिजल्ट मिलेगा। मीटरिंग करती क्या है, जहाँ पर भी लाइट के शेड बहुत ज़्यादा होते हैं वहाँ पर मीटरिंग अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट और शार्प इमेज मिलती है। अब बात करते हैं जो थर्ड वन है जिसका नाम है स्पॉट मीटरिंग। स्पॉट मीटरिंग ये मोस्ट ऑफ द टाइम इस्तेमाल करने वाली चीज़ है, जैसे कि जो वेडिंग शूटर्स हैं या पोर्ट्रेट शूटर हैं या स्टूडियो में शूट करते हैं तो उनके लिए बहुत अच्छी चीज़ है। ये किस तरीके से काम करती है मैं बता दूँ। स्पॉट मीटरिंग की खासियत ये है कि जब भी हम किसी भी सब्जेक्ट पर फोकस अपना लॉक करते हैं तो जहाँ पर भी आपका फोकस पॉइंट होता है वहीं पर वो स्पॉट, उस स्पॉट को वो रिकॉग्नाइज करती है और वहाँ से कलर्स या एक्सपोजर जो भी उसको मिलता है उस कलर को पिक करती है, ठीक है, और फ्रेम के साथ जो फ्रेम के बाकी जगह हैं उनके साथ वो अपना तालमेल बनाएगी या क्वालिटी चेक करेगी। उसके बाद आपके फ्रेम में एक एक्यूरेट, ये काम विद इन अ सेकेंड होता है, जितनी सेकेंड में आप इमेज क्लिक करते हैं उतने सेकेंड में ये प्रोसेस सारी हो जाती है और आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है। तो बेसिकली जो स्पॉट है ये स्टूडियो पोर्ट्रेट्स हो गए या पोर्ट्रेट जैसे हमने फोकस किया आई पे, तो इवन आप देखेंगे कि जब भी पोर्ट्रेट शूटर जो होते हैं वो आई पे फोकस करते हैं और करना भी चाहिए क्योंकि रिजल्ट बहुत अच्छा आता है, क्योंकि वो कंट्रास्ट बेस्ड शॉट होता है इस वजह शार्प भी आती है। दूसरा फायदा ये होता है कि जब स्पॉट मीटरिंग हम इस्तेमाल करते हैं किसी पोर्ट्रेट में तो वो डायरेक्टली आँख पर करती है तो आँख का एक्सपोजर देखते हैं ऑलरेडी वाइट होता है। आँखें अगर आँख पर कहीं भी कर रहे हैं तो वाइट एंड ब्लैक है तो कंट्रास्ट डिटेक्ट करता है वहाँ पर लाइट। इवन जब भी कभी देखेंगे लाइट पर लाइट पड़ती तो बहुत ज़्यादा, क्योंकि आँखें ऑलरेडी बहुत चमकदार होती हैं, लाइट होती हैं उनकी खुद की, और वहाँ पर जब हल्की सी भी कहीं से भी लाइट मिल रही होती तो वेल एक्सपोज होती हैं, तो वहाँ से वो स्पॉट काम अगर करें आप स्पॉट मीटरिंग पर तो आपके फ्रेम में लाइटिंग बहुत अच्छी मिलेगी। यहाँ पर एक चीज़ मैं ऐड ऑन करना चाहूँगा, जैसे कि हम सेंटर वेटेड मीटरिंग की बात कर रहे थे तो सेंटर वेटेड मीटरिंग क्या होता है, वो सेंटर में जो कलर को पिक करती है, बाकी एजेस जो होते हैं फ्रेम के, सेंटर वेटेड में मैं दोबारा आ रहा हूँ सेकेंड टाइम, वो भूल गया था मैंने सोचा ऐड ऑन कर दूँ, तो सेंटर वेटेड में क्या, तो वहाँ पर आपको एक थोड़ा सा विंटेज या विग्नेटिंग जिसे हम बोलते हैं विग्नेटिंग का लुक मिलेगा जो फ्रेम के कॉर्नर्स हैं। आप जैसे ये कॉर्नर हो गया या ये कॉर्नर या नीचे का कॉर्नर या इधर का कॉर्नर, तो ये कॉर्नर जो होंगे ये यहाँ पर लाइट थोड़ी सी कम दिखेगी, लेकिन अगर आप सेंटर की बात करें तो फ्रेम के सेंटर में लाइट बहुत ही अच्छी होगी, जिसे हम जैसे हम ब्रेक द रूल ऑफ थर्ड फोटोग्राफी कहते हैं। यहाँ पर अगर हम बात करें फोटोग्राफी कंपोजिशन की और एक रूल ऑफ थर्ड जो इंटरनेशनली बड़ा क्लेम्ड है कि ये एक बहुत अच्छी फोटोग्राफी रूल है, कंपोजिशन का रूल है, तो बहुत फोटोग्राफर्स ऐसे होते हैं जो ब्रेक करते हैं रूल ऑफ थर्ड को, ऐसे सिचुएशंस में वो अपने सब्जेक्ट को डेड सेंटर में प्लेस करते हैं। वहाँ पर अगर आप सेंटर वेटेड मीटरिंग का इस्तेमाल करेंगे अमेजिंग अमेजिंग लुक, अमेजिंग रिजल्ट एंड अमेजिंग एक्सपोजर मिलेगा जो एक्सपेक्ट नहीं करते। तो टोटली अगर बात करी जाए फोटोग्राफी बेस्ड लाइट पर है, एक्सपोजर पर है, यहाँ पर लगभग अमूमन जो कैमरा में चीज़ें होती हैं चाहे वो शटर स्पीड हो, अपर्चर हो या ISO हो, ये सारी कहीं ना कहीं चीज़ें जो है वो लाइट पर ही बेस्ड होती हैं। तो ऐसे सिचुएशंस में मीटरिंग जो है ये कहने का एक पार्ट छोटा सा है लेकिन आपकी इमेजेस में बहुत अच्छा लुक क्रिएट करता है। यहाँ पर इमेजेस मैंने बार बार दिखाई हैं आपको, आप उन इमेजेस से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरीके के रिजल्ट आपके सामने आए हैं। तो ये हो गई मीटरिंग की बात, और टोटैलिटी में अगर मीटरिंग क्या है तो मीटरिंग सिर्फ आपके फ्रेम में एक्सपोजर को बराबर करती है या दुरुस्त करती है, कहीं पर लाइट कम या ज़्यादा, हाईलाइट एंड शेडोज़ हैं तो उनको प्रॉपरली मैनेज करने की कोशिश करती है। ये मैं नहीं कहूँगा कि अगर शेडोज़ और एक्सपोजर की आप फोटोज़ खींच लें तो बिल्कुल इवन कर देगा, ऐसा नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं जो अंडर एक्सपोज और ब्रैकेटिंग का जैसे वर्क देखते हैं उनमें बहुत अच्छा सा उस तरीके का काम आपकी ये मीटरिंग्स आपका करती हैं।
तो ये हो गई बातें। अगर मीटरिंग से फोकस से रिलेटेड कुछ और भी आपको जानना है तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में लिखें। मीटरिंग अगर कोई आपको समझ में नहीं आई है, आप दोबारा उसमें बारे में जानना चाह रहे हैं, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखें और सवाल कर सकते हैं। आप अपने जो भी हैं, जो भी सुझाव आप चाहते हैं, आप उस पर कमेंट कर सकते बता सकते हैं। अदरवाइज़ आप मेरे इंस्टाग्राम पर जाकर भी आप मुझे DM कर सकते हैं, जिन पर मैं आपके लिए ट्यूटोरियल बना सकूं। दूसरा मैं कहना चाहूँगा कि चैनल पर बने रहें यार, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, दूसरों को भी शेयर करें, आनंद आता रहेगा इस तरीके से। और मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।